मारो यार, ओ छुरी फेंक, छुरी फेंक, छुरी फेंक, छुरी फेंक। किसको गोली लगी भाई? किसको गोली लगी? छुरी लगी। दिखा। क्या नाम है तेरा? क्या तेरा? ना। छुरी मत फेंको, छुरी रहो। उठाना छुरी में हूँ यार। नाम क्या तेरा? यही रहा, यही रहा। बैठ हाँ, बैठ बैठ। कहाँ तू? तेरा नाम क्या है? कहाँ रहे? भटोले में। इसके तूने चाकू क्यों मारे? मिलो गोली मारी है। इसके चाकू क्यों मारे? गोली मारी है मैंने। छुरी है इसमें। यूपी के बुलंदशहर में घर में तांग झांक और महिला पर फप्तियां कसने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट और जमकर चाकू चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों में पुराना विवाद चल रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार खुर्जा कोतवाली देहात के हाजीपुर भटोला गांव के राशिद और तफसीन में आपस में विवाद हो गया। आरोप लगाया गया कि घर में तांक झांक और महिला पर फप्तियां कसने को लेकर ये झगड़ा हुआ है। घटना में दो युवक चाकूबाजी और मारपीट के दौरान घायल हो गए, जबकि एक अन्य युवक राशिद वीडियो में खुद को गोली लगने की बात कह रहा है। पुलिस ने घायल व्यक्ति को खुर्जा के अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर खुर्जा देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों पक्षों का पुराना झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ है। सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि पुराने झगड़े को लेकर दोनों लोगों में मारपीट और चाकूबाजी हुई है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। का मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, खुर्जा देहात के हाजीपुर भटोला गाँव के रहने वाले दो व्यक्ति हैं, राशिद और तकसीम, दोनों पड़ोसी हैं। इनके दोनों परिवारों के पारिवारिक विवाद है और आज हाईवे पर दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों को मौके पर झगड़ा हो गया, जिसमें चाकूबाजी और डंडे से दोनों ने एक दूसरे को मारपीट की। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और दोनों से एप्लीकेशन तहरीर प्राप्त करके आवश्यक बेदारी कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में सीओ संग्राम सिंह ने मारपीट और चाकूबाजी में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि गलती किस पक्ष की है, मगर यूपी में अपराध अपने चरम पर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।